जनाब शहजादा हयात साहब चेयरमैन UICF। योर एक्सलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान हसन बुखारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत हर किस्म के ट्रिब्यूट आज पे हुए हैं मोहतरमा मेयर जी भुट्टो साहिबा के लिए और होंगे भी और डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर बोलेंगे, लेकिन मैं खाली दो तीन बातें सिर्फ ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में और तारीख में तीन लीडर आए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस उन्होंने एंजॉय की है। एक है हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिन्होंने एक पार्टी बनाकर फिर पार्टी से ऊपर चले गए वो पाकिस्तान के लिए और हमें पाकिस्तान दिया। इसी तरीके से जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक व्हीकल बनाया, उस व्हीकल पर चढ़ के उससे आगे पहुंचे पाकिस्तान के लिए और दुनिया में पाकिस्तान की उन्होंने नाम अपना रोशन किया। इसी तरीके से उनकी बेटी ने बिल्कुल जो पार्टी खत्म हो गई थी, टूट गई थी, फिर से उस व्हीकल में जान डाली, उसमें इंजन डाला, उसमें फ्यूल डाला, पेट्रोल डाला और उस गाड़ी को फिर चलाया और उस गाड़ी को चलाकर उसकी गाड़ी की इतनी उन्नति की जितनी उनकी मंजिल जो थी पाकिस्तान थी। तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने पाकिस्तान को बुलंद किया और वो सिर्फ एक पाकिस्तान के पीपल पार्टी के लीडर नहीं थे, पाकिस्तान के लीडर थे और इसी तरीके से वो एक इंटरनेशनल लीडर बन गए और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया कि इस मुल्क में वो जब भी आती थी, किसी मुल्क में भी जाती थी, हालांकि वो सिर्फ एक पार्टी की लीडर थी, इलेक्टेड भी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थी, जहां बरतानिया में किसी वक्त वजीर आजम बरतानिया को फोन करते थे उसी वक्त उनको मिलता था, अपोजिशन लीडर उसी वक्त मिलता था, दुनिया में हर लीडर उनको उसी वक्त मिलते थे, किंग्स, सऊदी अरब किंग्स, हर मुल्कों के, तो क्यों मिलते थे, क्या बात थी कि आज का हमारे जो लीडर होते हैं या उनके बाद जो भी आए हैं उनसे पहले क्यों नहीं। उनकी खूबी ये थी कि जमहूरियत की वो एहतराम करते थे, कानून की रिस्पेक्ट करते थे, डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते थे और करती थी। और उसके साथ साथ जो है, अब भी मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को आपको कोई फिक्र नहीं करना चाहिए, कोई खत्म नहीं कर सकता है। जब उन्हें कुछ कुछ छोटी सी जान कितनी दफा खत्म हुई और बार बार उन्होंने फिर ताकत पकड़ी है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी आखिर में लास्ट फंक्शन जो बरतानिया में हुआ था, उस फंक्शन में हम यहां जब गए थे तो बीबी हूं उसके बाद पाकिस्तान चली गई, तो उन्होंने दो आदमियों की बहुत ही रिस्पेक्ट की। उन्होंने कहा एक वाजिद शमसुल हसन है जिनको वो अपना बड़ा भाई और बाप की तरह उनको इज्जत करते थे और दूसरा हसन बुखारी साहब हैं जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी और अपना भाई समझती थी उनको। और हमारी ये रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो, पार्टी को अपनी जो एम और ऑब्जेक्टिव होनी छोड़नी चाहिए, वो है पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में जो भी हो जमहूरियत के लिए, हमारा काम यह है अकल से काम लें, शऊर से काम लें और पाकिस्तान को हमेशा वास्ते सबसे ऊपर रखें और दुश्मनों की बातों पे आकर आपस में हमें लड़ना कभी नहीं चाहिए। थैंक यू।